अच्छा, बस्तर में नक्सलवाद, नक्सलवाद के बाद हिंसा, मुठभेड़, इसी पर बातचीत करते हैं। समर्पण की बात सरकार करती है, तो समर्पण के बाद नक्सलियों का जीवन कैसा होगा, इस पर कभी हमने बात नहीं की। बहुत दर्शक थे हमारे, कई सवाल थे उनके, तो मैंने सोचा उन सवालों के कुछ जवाब भी टटोले जाएं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में इस वक्त मैं दंतेवाड़ा में हूँ। दंतेवाड़ा क्यों आया? दंतेवाड़ा इसलिए आया क्योंकि मेरे को ये पता चला कि यहाँ पर एक सरेंडर नक्सलियों के लिए एक बड़ा सा हब बन रहा है। मैं बोला सरेंडर नक्सलियों के लिए हब बन रहा है तो देखा जाए भाई हब कैसा बन रहा है, क्या खासियत इसकी, और सरेंडर नक्सलियों के लिए सरकार क्या करती है, तो इस पर भी सवाल थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरेंडर करवा दिए उसके बाद फिर आप बता रहे हो कि सरेंडर की ऐसी ऐसी पॉलिसी है और फिर जो सरेंडर नक्सली उनको मिल ही नहीं रहा है सरेंडर पॉलिसी का लाभ? तो मैं सोचा उस पर बातचीत किया जाए। तो ये लगभग 50-60 एकड़ में एक हब बन रहा है सरेंडर नक्सलियों के लिए। इसमें तमाम आंगनबाड़ी बनेगा, दुकान बनेगा, घर बनेगा और ये सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं सरेंडर नक्सलियों के लिए बन रही हैं। और सबसे ख़ास बात आपको बताऊं, सबसे ख़ास बात यह है कि ये बनाया भी सरेंडर नक्सलियों के द्वारा ही जा रहा है ना। अब आप देखिए इस तरफ कि जो हथियार, जो हाथ कभी हथियार थामा करते थे आज फावड़ा थामे हुए हैं, जो हाथ कभी भवन तोड़ा करते थे आज भवन बना रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि सरकार तो बोल रही है, अधिकारी तो बोलेंगे ही, ये क्या बोल रहे हैं? भैया क्या नाम है आपका? अरमा मंडा। हरमा मंडावी जी। नक्सली थे पहले? नक्सली थे सर। तो सरेंडर कर दिए जी। कब किए? 2011। कितना साल थे संगठन में? 3 साल। 3 साल बंदूक बंदूक चलाते थे? चलाते सर। बिल्डिंग विल्डिंग तोड़े हो एक आध स्कूल उस्कूल जब संगठन में थे तो? नक्सली लोग तो बहुत स्कूल तोड़ते थे ना जी सर। तुम भी तोड़े हो एक आध कुछ? तोड़ते थे। आज बना रहे हो? आज बना रहे थे। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है जी। पहले तोड़ते थे आज बना रहे हैं, ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना जी? अच्छा लग रहा है। तो ये किसके लिए बना रहे हो? आप लोगों के लिए। तुम्हारे ही लोगों के लिए है जी। तो अच्छा यार ये बताओ मेरे को कि सरकार बोलती है नक्सलियों को, माओवादियों को कि समर्पण कर दो। मैं खुद बोलता हूँ कि समर्पण कर दो, बंदूक उठा के इसका हल नहीं है। हल तो ये है कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। तो समर्पण कर दो, समर्पण करने के बाद सरकार बोलती है ये योजना है, वो योजना है, तो सब उसका लाभ मिल रहा है? मतलब घर वर बन रहा है तो लग रहा है कि जो सरकार बोली थी ऐसा हो रहा है? पुलिस के अधिकारी जो बोले थे वैसा कर रहे हैं? हरमा क्या हुआ? अच्छा क्या दिक्कत क्या है कि जो बाहरी दुनिया उससे थोड़ा सा कटे हुए रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर बात को खुल के बोल पाए। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप भी नक्सली थे क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी। कौन से पद में थे गुड्डी? वही संगठन। संगठन में थे जी सर। तो तुम भी जब रहे होगे संगठन, बंदूक बंदूक चलाते रहे होगे? चलाते थे। और बिल्डिंग विल्डिंग तोड़े रहे होगे? नहीं तोड़े सर, ऐसे ही गाँव में कुछ रहते थे। आज बिल्डिंग बना रहे हो, कैसा लग रहा है? हम लोगों के लिए रहने के लिए क्वार्टर बनवा रहे हैं। अच्छा सरकार बोलती है समर्पण कर दो तो हम तुमको ये देंगे वो देंगे, तो दे रही है सरकार? हाँ, नहीं दे रही है। दे रही है जी। ठीक लग रहा है, मतलब लग रहा है जो बोली थी वो कही है? ठीक लग रहा है। तो जो अभी हैं जंगल में उनको समर्पण कर देना चाहिए ना जी? क्या बोलते हो? वो नहीं करवा रहे हैं सर। नहीं करवा रहे जी? मतलब कौन नहीं करवा रहा है? नक्सली लोग करवा रहे हैं सर। क्या करवा रहे हैं? सर समर्पण करवा रहे हैं। करवा रहे हैं जी। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद सर। तुम भी संगठन में थे जी? अच्छा। 2010 से 7 साल मिल से सदस्य काम किया सर। अच्छा। बंदूक बंदूक छोड़ के मैं यहाँ समर्पण हुआ जी। तो अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं, घर देंगे बोल रहे हैं क्या जी? तो पहले कहाँ रहते थे जब संगठन में थे? जंगल में घूमते? जंगल में। वहाँ रात में कैसे बिताते थे यार? रात में मतलब झिल्ली उल्ली बांधते थे? हाँ जी, झिल्ली उल्ली सब बांधते, बांध के हम सुख के रहते। ठीक है भैया, आप भी आओ तो। आप तो थोड़ा सा अच्छा बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा गंगाराम बघेले सर। गंगाराम, कितने साल थे आप संगठन में? मैं तो करीब करीब 7 साल के थे। बंदूक कौन सा रखते थे? मेरे सिंगल शॉट 12 और 303 चलाना। अच्छा, तो तुम भवन वन तोड़े रहे होगे जी सर जी। वहाँ का जिंदगी कैसा था और अभी का जिंदगी क्या है? नाम क्या बताया तुम्हें, भूल गया थोड़ा? गंगाराम बघेले। गंगाराम, वहाँ का जिंदगी कैसा था और अभी कैसा है जिंदगी? अभी तो बहुत बदलाव दिख रहा है सर। हम वहाँ संगठन में बहुत परेशानी, दिक्कतें झेलना पड़ती थी, बारिश हो। अभी तो और दिक्कत झेलनी पड़ी, जैसे सरसिंग ऑपरेशन चलती है पुलिस की ओर से। कोरोना में अलग परेशानी हो रहा है जी, है ना?
जी ऐसे में बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। मैं नक्सलियों से ये भी अपील करना चाहता हूँ, सब लोग अच्छा जिंदगी जिए, मुख्यधारा में जुड़े। ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। हमारे बस्तर में खून खराबा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण रूप से यहाँ की पब्लिक को रहना चाहिए। आज तो रमन्ना का बेटा भी समर्पण कर दिया जी। रमन्ना का नाम तो सुने सुने सर है कि नहीं जी। आज उसका बेटा भी समर्पण कर दिया, मतलब समर्पण कर देना चाहिए। आके ऐसे चुनाव उनाव लड़ो और बदलाव है कि नहीं, बंदूक उठा के तो बदलना है नहीं। अच्छा, घर और किसके लिए बन रहा है ये सब, दुकान घर ये सब? घर तो समर्पण नक्सलियों के लिए ही बन रहा है। तुमको भी मिलेगा यहाँ? जी मिलेगा। शादी वादी हुआ है? जी सर हुआ है। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है सर। बच्चे नहीं है जी। तो क्या लगता है तुम्हारे बच्चे कैसा जीवन देखना चाहिए बस्तर में, शांत खुशहाल? खुशहाल जिंदगी देखना चाहिए हमारे बच्चों का, अच्छा पढ़ाए, अच्छा लाइफ, अच्छा जिंदगी। सरकार बोलती है ना समर्पण करोगे तो आपको ये सब सुविधा देंगे, दे रही है सरकार? तो हमारा ज्यादा दिन नहीं हुआ सरेंडर करके, अभी तो फिलहाल एक सप्ताह होने जा रहा है, हम अच्छे माहौल देख रहे हैं यहाँ करके। ठीक है जी, मतलब व्यवस्था मिल रहा है सब जी जी। अभी घर वर भी मिलेगा जी, हमारा सब काम कर रहे हैं, पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है हमारा स्मार्ट, जितने भी कार्ड है, राशन कार्ड हो गया, हमारे पास खाता भी नहीं था वो भी खोलने के लिए फार्म भरवा रहे हैं सब। अच्छा, तो सब व्यवस्था मतलब जंगल से बदल गया जीवन? बदल गया सर बहुत, हमको तो यहाँ आके बहुत खुश मिलता है सभी। गंगा घर कहाँ है तुम्हारा वैसे प्रॉपर? हमारा तो सुकमा जिला है सर। तो घर जाते हो क्या? अभी नहीं जाता हूँ सर, दिक्कत है जाने से। दिक्कत है तो ठीक है, यहाँ पे व्यवस्था हो जा रहा है। गंगाराम है, बहुत अच्छा हो जाए। ये बता रहे हैं कि जंगल से निकले तो जीवन बदला तो है, सरकार ने जो बोला वो पूरा कर तो रही है। मैं आपको दिखाऊँ कि ये किस तरह से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात आपको दिखाऊँ, मैंने आपसे कहा ना कि वो हाथ जो हथियार थामा करते थे वो फावड़ा थाम लिए, जो भवन तोड़ा करते थे वो भवन बना रहे हैं, लेकिन इन भवन बनाने वाले हाथों को सुरक्षा भी कौन दे रहा है? वही हाथ जो हथियार लेकर भवन तोड़ा करते थे, जो जंगलों में आतंक मचाया करते थे, अब वही हाथ सुरक्षा दे रहे हैं। ये भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश सोरी है सर। रमेश, आप भी नक्सली थे पहले? जी 2015 से 2019 तक सर। अच्छा, तो वहाँ कौन सा हथियार रखते थे? वहाँ पे 3x3 रखते थे। अभी तो बड़ा शानदार रखे और AK-47 रखे हुए हैं, पूरा मतलब मामला अपडेट हो गया है क्यों? जी। तो अब कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो ये क्या कर रहे हो अभी, यहाँ सुरक्षा दे रहे हो? क्या सर, बन ये क्वार्टरमैन बन रहा है सर, सरेंडर कैडर लोगों के लिए। तो तुम भी सरेंडर कैडर हो जी? तुमको भी मिलेगा इसमें से? मिलेगा सर। मिलेगा जी। मज़ा आ रहा है देख के कि बढ़िया घर, इतना कभी सोचे थे जंगल के अंदर रहते हुए? नहीं सर। पढ़ाई कहाँ तक की हो रमेश? मैं 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ सर। रमेश नाम है ना जी? तो रमेश, 8वीं तक पढ़ने के बाद ऐसा क्या बदल गया जीवन में कि तुम अंदर संगठन में चले गए क्रांति करने? सर मैं नक्सली में जाने के कारण क्या है, वो उधर मैं छुट्टी समय मैं गांव जाता था सर। उधर जाने के बाद वहां उसका राजनीति सिखाते थे सर मुझको। अच्छा, गांव के अंदर जी। कहां था घर तुम्हारा? मेरा बीजापुर जिला है सर। और गाँव का नाम? डोडी तुमनार है सर। डोडी तुमनार जी। अच्छा, तो वहां पे लोग बोलते थे कि चल संगठन में चल जी, और तुम भी आगे झांसा जी में। अपन ऐसे अगर हथियार पकड़ के लड़ेंगे नहीं तो अपना जंगल जमीन बसेगा नहीं बोल के सिखाते थे सर, राजनीति कहलाते थे सर। तो फिर समझ में कैसे आया कि बंदूक लेके जंगल नहीं बचेगा, कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा? जी मैं वहाँ से खुद को वहाँ पे जाके पढ़ाई करूँगा, पढ़ने का उम्र करके मैं आ गया सर। वहाँ से आने के बाद सुकमा में मेरे को गिरफ्तारी किए सर। अच्छा, गिरफ्तार किए जी, फिर तुम समर्पण कर दिए जी। ठीक है, तो अभी क्या क्या व्यवस्था मिला है, कब से कर रहे हो नौकरी? मैं यहाँ पे 2020 से हूँ सर। तनख्वाह उनका कितना मिल रहा है? तनख्वाह 12 दे रहे हैं सर। 12,000 जी। वहाँ संगठन में, अच्छा नक्सलियों को तनख्वाह का मिलता है क्या? नहीं मिलता है सर। नहीं मिलता रहा जी। खर्चा पानी कैसे चलता रहा? खर्चा पानी चलता है सर, वहाँ जितना सामान जरवाते उतना सामान लिखित में दे देते हैं, बड़ा लीडर को पूरा सामान बमा के दे देता है सर। पैसा नहीं मिलता रहा जी? पैसा नहीं, यहाँ पैसा मिल रहा है जी? मिलता है सर। ठीक है, मतलब मामला यहाँ सरेंडर करने के बाद। अच्छा, जो जंगल में है अभी तो उनको भी समर्पण कर देना चाहिए मतलब? जी करना चाहिए सर, अपना वो राइफल छोड़ के यहाँ। तो जल जंगल जमीन कैसे बचाएंगे, तुम्हारे पास कोई रास्ता समझ में आया छोड़ने के बाद? जैसे बंदूक उठा के पहले जल जंगल बचाते थे जी, अब छोड़ दिया, अब जल जंगल जमीन कैसे बचाएंगे, इसके लिए कुछ नया रास्ता समझ में आया? पढ़े लिखे भी हो तुम जी, क्या समझ में आया? वो जंगल जल जंगल जमन जमीन बसाने के चक्कर में लोग झूठा साबित करना चाहते हैं सर जी। बार तो ये घर बन रहा है, इसमें मिलेगा तुमको भी घर ना। सरेंडर नक्सली, इनसे जितना आप बातचीत करेंगे उतनी कहानियां सामने आएंगी। फिलहाल मैं ये बताने के लिए यहां पे आया हुआ था दंतेवाड़ा जगदलपुर से कि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं इस पे। अच्छा, एक ख़ास बात और है, ये देश में अपने आप में पहला मामला है जब सरेंडर नक्सलियों के लिए इतनी बड़ी योजना चलाई जा रही है। और दूसरी बात ये है कि इस पे और विस्तृत चर्चा यहां जो SP हैं अभिषेक पल्लव, उनसे भी करेंगे। तो ये जो हब बनाया जा रहा है नक्सलियों के लिए, दरअसल ये देश में अपने आप में पहला मामला है।
और दंतेवाड़ा में लगातार जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लोन वर्राटू है जो कि समर्पण नीति के तहत एक अलग तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो सिर्फ दंतेवाड़ा में चल रहा है और इस तरह का हब भी अपने आप में देश में जिले में संभाग में पहली बार बन रहा है। और अब आप सोचिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से 3 IPS भी आई हुई हैं जो दंतेवाड़ा SP से ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर किस तरह से वे दंतेवाड़ा में माओवादियों के खिलाफ में अलग अलग तौर तरीक़ों से लड़ रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं, साइकोलॉजिकल वार भी SP साहब बताते हैं। सर, ये अपने आप में नया मामला है, किस तरह से एक हब बन रहा है, नक्सली बना भी रहे हैं जो समर्पित हैं और जो समर्पित नक्सलियों सुरक्षा भी दे रहे हैं, क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शॉर्ट में बता। लोन वराटू पिछले साल लॉन्च हुआ था, 1 साल पूरा होने पर 380 लोग आत्मसमर्पण किए जिसमें 100 से ऊपर इनामी माओवादी थे। हमने जानना चाहा कि कितने लोग किस स्थिति में गांव में रह रहे हैं, कि नक्सली भय तो नहीं है उनका। हमने सोशल इकोनॉमिक सर्वे कराया, हमने पाया कि केवल 30 लोगों के पास आधार कार्ड था, वो शासन की किसी भी बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो हमने लोन वराटू 2 अभियान लॉन्च किया जिसमें कि उनका PDF कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, शासन के 12 स्कीम से हमने उनको जोड़ा। हमने ये पाया कि इन 380 में करीब 70-80 लोग ऐसे हैं जो गांव में भय के माहौल में जी रहे हैं। नक्सली जब भी आते हैं गांव में उनकी पिटाई करते हैं, मुखबिरी का शक करते हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इन लोगों के लिए हमने लोन वराटू हब बनाने की बात सोची जो कि पुलिस लाइन के नज़दीक रहे, जिससे उनकी सुरक्षा मिल पाए। यहाँ पे 108 मकान बन रहे हैं, 20 दुकान बन रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, रिक्रिएशन सेंटर बन रहा है, योगा सेंटर बन रहा है, जिम बन रहा है, यहाँ पे गौठान बन रहा है, इनकी कम्युनिटी फार्मिंग होगी। हमने ये भी देखा कि जो लोग 10-15 साल नक्सलवाद में रह के वापस आए वो हथियार के सिवाय कोई चीज़ नहीं जानते, तो या तो उनका 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो पुलिस में भर्ती होना या फिर गांव में बेरोजगार रहना। काफ़ी लोग पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहते। उन लोगों के लिए हमने कहा कि स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसी स्किल ट्रेनिंग जो कि गांव वापस जाके वो स्किल का इस्तेमाल कर पाएँ। तो उसके लिए हमने वेल्डिंग, कारपेंटर, ग्रॉसरी शॉप, दवाई का दुकान, जो चीज़ गाँव में आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसे हमने 20 ट्रेड ढूँढे हैं। इस 20 ट्रेड की इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जब तक ये रहना चाहें परिवार के साथ 1 बेडरूम फ्लैट में लोन वराटू हब में रह सकते हैं। जिस दिन इनको ऐसा लगता है कि इनका गांव नक्सल मुक्त हो गया है या गांव में सुरक्षित रह सकते हैं, ये वापस अपने गांव जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग खुद इस लोन वराटू हब को बना रहे हैं, तो अपनेपन के साथ बना रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इनको काम करता देख के जो बाकी नक्सली जो अंदर कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके अंदर भी चाह जा रही है कि हमारा रिहैब भी पॉसिबल है, क्योंकि पहले सरेंडर होने के बाद नक्सली अपने हाल पर छूट जाते थे। तो निश्चित रूप से ये एक मॉडल है जिसको बनाया जा रहा है। 300 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया गया, 30 एकड़ में भी हब बन रहा है। इनको खेती सिखाई, 12 ट्रैक्टर लिए गए हैं प्रशासन से, इनको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि चीज़ों को यहाँ पर सीखें और अपने गाँव में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। गाँव में जो गाँव में जाएंगे उनको हम CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के कैंप से हम लिंक करेंगे, जिससे जो सब्जी उगाएं वो खरीदा जा सके, जो ग्रॉसरी का सामान है वो वही लोग खरीदें, और गाँव में भी इससे उत्पादन होगा और गाँव में बिक्री बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से ये जो लोन वराटू की हवा है जो दंतेवाड़ा के सेंटर में है, बस्तर के नारायणपुर एक तरफ, जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर सभी अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र हैं, तो लोन वराटू की हवा जब दंतेवाड़ा से निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और निश्चित रूप से नक्सल अभियान में नक्सल मुक्ति के लिए लोन वराटू जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। तो ये दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव जिन्होंने बताया कि आपके पास ऑप्शन कई हैं, लेकिन पहला ऑप्शन है कि आपको समर्पण करना पड़ेगा। अगर आप समर्पण कर देंगे तो निश्चित ही तौर पर आपका जीवन खुशहाल हो सकता है। मेरी भी अपील है माओवादियों से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको समर्पण कर देना चाहिए। आज तो रमन्ना के बेटे ने भी समर्पण कर दिया है जो कि आपके लिए एक बोलते हैं आपकी भाषा में माई खूटा हुआ करता था, तो आप भी समर्पण कर दीजिए, बनिए इसका हिस्सा और शांति के लिए अपने तरीके से दूसरी लोकतांत्रिक लड़ाई लड़िए। आपको ये वीडियो पसंद आता है, लगता है कि आपको बस्तर के अलग अलग समस्याओं चुनौतियों पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।